मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। बीए प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र के सुदामा चरित खंड काव्य में हम आपको व्याख्याएं पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हमारी 30 व्याख्याएं कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो हमारी 31वीं व्याख्या है। देखिए, खोलत सकुचत गाठरी, चितवत हरी की ओर, जीरन पट फटी छूटी परयो, बिथिर गए तेही ठोर। एक मुठी हरी भरी लई, लीनी मुख में डारी, चबत चबाऊ करन लगे, चतुरानंद त्रिपुरारी। इसके शब्द हैं कि चितवत माने देखना, जीरन पट माने पुराना कपड़ा, बिथिर माने फैलना, चबाऊ माने आलोचना, चतुरानंद माने ब्रह्मा और त्रिपुरारी पुरारी माने शिवजी। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास के सुदामा चरित से उद्गत है। सुदामा भेंट के लिए पत्नी द्वारा दिए गए जो चावल लाए थे, उन्हें वे संकोचवश कृष्ण को दे नहीं पा रहे थे। कृष्ण ने इसी बात को आधार बनाकर उनसे मजाक किया। तब सुदामा ने चावलों की पोटी देने के लिए निकाली। वो कह रहे हैं, खोलत सकुचत गाठरी, खोलत सकुचत गाठरी, चितवत हरी की ओर, जीरन पटफटी छूटी परयो, बिथिर गए तेई ठोर। सुदामा जी उस गठरी को बगल में से निकालते हुए संकोच कर रहे हैं और चितवत हरी की ओर, और जब वो गठरी को निकाल रहे हैं तो उनकी नज़र सिर्फ श्री कृष्ण की ओर है और वह श्री कृष्ण को देखते जा रहे हैं। जीरन पट फटी छूटी परयो, पोटली का वस्त्र पुराना होने के कारण फट गया, बिथिर गए तेही ठोर। पोटली नीचे, हाथ से नीचे गिर गई और चावल वहीं फैल गए। एक मुट्ठी हरी भरी लई, लीन मुख में डारी। भगवान कृष्ण ने चावलों की एक मुट्ठी भर ली और वे चावल अपने मुख में डाल दिए। चबत चबाऊ करन लगे चतुरानंद त्रिपुरारी। वो कह रहे हैं कि कृष्ण चावल चबाने लगे तो ब्रह्मा और शिव कृष्ण के इस कार्य की निंदा या चुगली करने लगे। कृष्ण द्वारा सुदामा के चावल चबा खाने से उन्हें चिंता एवं आश्रय होने लगा। इसमें, इस व्याख्या में विशेष पॉइंट हमारा ये है कि कृष्ण विष्णु के पुण्यावतार हैं। उनके द्वारा भक्त सुदामा की भेंट को इस तरह अपनाने से ब्रह्मा और शिव द्वारा निंदा शंका करना वर्णित होने से भगवान की भक्त वत्सलता भी दिखाई देती है। कांपी उठी कमला मन सोचती, मोसो कहा हरि को मन आको, रिद्धि कपी सब सिद्धि कपी, नव निद्धि कपी बमना यह धोको। सोच भयो सुरनायक के जब दूसरी बार लिया भरी झोको, मेरु डर्यो बक्से जनी मोही, कुबेर चबावत चाउर चोको। शब्दार्थ कमला का लक्ष्मी, ओको माने उकता गया, ऊब गया माने झोंको माने फांक लेना, बक्से माने छोड़ना, चोको माने चोक पड़ना, आश्चर्यचकित होना। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास के सुदामा चरित से उद्गत है।
सुदामा जी की पोटली से फैले हुए चावलों में से एक मुट्ठी चावल जब कृष्ण ने चबा लिए तो ब्रह्मा और शिव को कृष्ण का यह व्यवहार आश्चर्यजनक लगा। फिर उन्होंने जब दूसरी मुट्ठी भरी तब देवताओं पर क्या प्रतिक्रिया हुई उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, कांपी उठी कमला मन सोचती, मोसो कहा हरि को मनो को, रिद्धि कपी सब सिद्धि कपी, नवनिधि कपी बमना यधु को। कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने चावल उठाए, मुट्ठी भरी और मुंह में रख लिए, ठीक उसी क्षण कांपी उठी कमला मन सोचती, लक्ष्मी कांपने लगी और सोचने लगी, चिंता करने लगी कि मोसो कहा हरि को मनो को, कि भगवान का मेरी ओर से मन क्यों उग गया है। कृष्ण जितना चावल खाते उतनी ही संपत्ति सुदामा को मिल जाती, इसलिए लक्ष्मी सोचने लगी कि अब जैसे जैसे ये चावल खाते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं किसी और की होती जा रही हूँ। इस कारण लक्ष्मी चिंतित हो गई। रिद्धि कपी सब सिद्धि कपी, रिद्धि सभी सिद्धियाँ और नौ निधियाँ भी इसी कारण चिंतित होती हुई कांपने लगी। उन्हें आशंका हुई कि कृष्ण हमको कहीं सुदामा को ही न सौंप दें। सोच भयो सुरनायक के, वे सोचने लगे कि ये ब्राह्मण न जाने किस प्रकार का है। जब दूसरी बार लिया भरी जोकों, जब मुट्ठी जब कृष्ण ने दूसरी बार चावल खाने को मुट्ठी भरी तो इंद्र भी चिंताकुल हो गए। मेरु डरयो बक्से जनी मोही, सुमेरु डर गया चावल चबाते देखकर, कुबेर भी चकित हो गया चबावत चाऊर चोको, कि कृष्ण मुझे भी संभवत ब्राह्मण को सौंप देंगे। कि जैसे जैसे वो सुदामा के दिए हुए चावलों को खाते जा रहे थे वैसे वैसे वो हर चीज़ सुदामा के पास जाती जा रही थी कि ऐसा ना हो कि वो सुदामा को हम सबको सुदामा को ही सौंप दें। कवि ने कृष्ण की उदारता की देवताओं पर हुई प्रतिक्रिया का काल्पनिक वर्णन किया है, क्योंकि काल्पनिक जिसको हम कल्पना कर रहे हैं सोच रहे हैं उसमें वास्तविकता का अभी कोई आभास नहीं है। स्वभक्ति एवं उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त है। सवैया छंद की पदयोजना एवं गति अति उचित है। हुल हीरा में सब काननी परी है टेर, भेटत सुदामे श्याम चाबी न अघात ही, कहे नरोत्तम रिद्धि सिद्धिन में सोर भयो, ढाड़ी थरहरे और सोचे कमलात ही। नाक लोक नाग लोक ओक ओक थोक थोक, ठाड़े थरहरे मुख सूखे सब गात ही, हाल्यो पयो थोकन में लेकिन में लाल्यो पर्यो, चाल्यो पर्यो चोकन में चाऊ चबात ही। हुल माने कसक पीड़ा दर्द, काननी माने कानों में, थरहरे माने कांपे कांपते हुए, नाक लोक स्वर्ग लोक और नाग लोक पाताल लोक, ओक ओक घर घर, थोक थोक समूह समूह, हाल्यो माने शोर मचाना हल्ला मचाना, लाल्यो माने परेशानी, चाल्यो माने घबराहट और चौकन माने चौक आंगन। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास के सुदामा चरित से अवतरित है। श्री कृष्ण द्वारा भेंट मिलाए गए सुदामा के खाने से देवताओं को चिंता होने लगी, इसी क्रम में यह वर्णन है। हूल हीरा में सब काननी परी है टेर, कवि वर्णन करता है कि सुदामा द्वारा भेंट के लिए लाए गए चावल खाते खाते कृष्ण थक ही नहीं रहे हैं।
भेटत सुदामे शाम चावी न अघात ही। कि सुदामा के भेंट दिए हुए उपहार दिए हुए चावल को खा खा कर श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं और चावल खाना चाहते हैं। कहे नरोत्तम रिद्धि सिद्धिन में सोर भयो डाढ़ी थरहरे और सोचे कमलात ही। सब देवताओं के हृदय में इस बात से दुख हुआ। ये सब बात सब कानों तक पहुंच गई। नरोत्तम दास कवि कहते हैं कि रिद्धियों और सिद्धियों में शोर मच गया, वे कंपित हो उठी। लक्ष्मी भी चिंता करने लगी। स्वर्ग लोक पाताल लोक में और घर पर घर घर व्यक्तियों के समूह में यही बात हो रही थी। वे भयभीत से थे, उनके शरीर सूखे जा रहे थे। आंगनों में भीड़ का शोर होने लगा कि कृष्ण चावल चबा रहे हैं। ठाड़े थरहरे मुख सूखे सब गात ही। उनके शरीर सूखे जा रहे थे और उनके आंगन में भीड़ का शोर होने लगा था कि कृष्ण चावल चबा रहे हैं। चालो पर्यो चौकन में चाऊ चबात ही। कि कृष्ण के चावल चबाने का अभिप्राय, उसका परिणाम क्या होगा, ऐसा सोचकर सब घबराने लगे थे। इसी बात का वर्णन इस व्याख्या में बताया गया है। श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता एवं उदारता की यहाँ पे अभिव्यंजना हुई है। अनुप्रास अलंकार है, कवित्व छंद की गति है। धन्यवाद।